सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी का लगन मिनिस्ट्री बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती सुसमाचार का 5 अध्याय बड़ा ही आशीषित अध्याय है, जिसे हम धन्य वचन कहते हैं, जिसमें प्रभु यीशु स्वयं ही अपने चेलों और भीड़ को पहाड़ से उपदेश देते हैं। मत्ती 4 अध्याय के 25 वचन के अनुसार, यरूशलेम और यहूदिया से और यर्दन के पार से भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु के पीछे पीछे हुई थी। तब प्रभु यीशु 5 अध्याय 1 वचन में वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और प्रभु यीशु अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगे, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। जो नम्र हैं, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जो मेल करवाने वाले हैं, जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, और धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। इन सब वचनों के कहने के बाद प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि उन्हें पृथ्वी का नमक बनना है, लेकिन बाइबल में पृथ्वी के नमक का क्या अर्थ है? आज विश्वासियों के रूप में ये हम पर कैसे लागू होता है? पृथ्वी का नमक होने का क्या अर्थ है? आप पृथ्वी के नमक है, लेकिन आज के वचन में हम देखेंगे कि हम पृथ्वी के नमक कैसे हैं, और हम लोग पृथ्वी के नमक कैसे बन सकते हैं, और नमक अपना स्वाद कैसे खो देता है कि वह बाहर फेंका जाए और रौंदा जाता है। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आधुनिक भाषा में धरती का नमक होने का मतलब एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति होना है। इसका मतलब है कि आपके पास बहुत मूल्य और महत्व है। ये वाक्यांश साधारण पृष्ठभूमि या शुरुआत वाले लोगों को भी संदर्भित कर सकता है। ये सभी बातें रोमांचक हैं, लेकिन आइए हम पहाड़ी उपदेश पर वापस जाएं और समझें कि यीशु का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु ने पहाड़ी उपदेश की शुरुआत अपने शिष्यों को उन लोगों के बारे में बताया था कि जिन्हें ये आशीर्वाद मिलेंगे, मन के दीन, जो लोग शोक करते हैं, नम्र, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, दयालु, हृदय से शुद्ध, शांति स्थापित करने वाले, जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। इस सूची के अंत में वह शिष्यों से कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, लेकिन नमक का क्या फायदा अगर इसका स्वाद बिगड़ जाए? क्या तुम इसे फिर से नमकीन बना सकते हो? इसे बेकार समझकर फेंक दिया जाएगा और पैरों तले रौंदा जाएगा। लेकिन प्रभु ने अपने शिष्यों को नमक ही क्यों कहा? इस अंश में नमक के लिए ग्रीक शब्द हलास है। हलास का शाब्दिक अर्थ नमक होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल लाक्षणिक रूप से विवेक के लिए भी किया जा सकता है, अर्थात भविष्य के लिए देखभाल और विचार के साथ कार्य करने या दिखाने के रूप में परिभाषित करता है। क्या यह एक ऐसा गुण है जो मसीहियों में होना चाहिए? हमें ऐसा लगता है कि खास तौर पर आनंद के प्रकाश में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को जो आशीर्वाद दिया था, उसके लिए एक खास तरह के रवैये की आवश्यकता थी। यह एक ऐसा रवैया था जिसे कोई विवेक भी कह सकते हैं। अगर हम आपसे नमक के कुछ फायदे बताने के लिए कहें, तो आप शायद कुछ इस तरह की बातें बताएंगे कि नमक भोजन को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग होता है, ये स्वाद बढ़ाता है, त्वचा को स्वस्थ बनाता है, ये दर्द निवारक का भी काम करता है। बाइबल के समय में नमक का इस्तेमाल पैसों के रूप में भी किया जाता था, अर्थात लोगों को वेतन के रूप उनको नमक दिया जाता था। लेकिन यीशु अपने अनुयायियों को नमक की तरह क्यों बनाना चाहते हैं? कल्पना करें कि अगर आप एक पल के लिए चाहें, तो एक ऐसी दुनिया जिसमें नमक या सोडियम नहीं होगा,
हमारे भोजन का स्वाद कैसा होगा, हम कौन से वस्तुएं नहीं बना पाएंगे। अब कल्पना करें कि मसीहियों ने यीशु के वचन को पृथ्वी का नमक मान लिया। क्या होगा अगर हम चीजों को स्वादिष्ट बनाने और उन्हें बेहतर बनाने के तरीके खोज लें? क्या होगा अगर हम परमेश्वर के नियमों को बनाए रखें? क्या होगा अगर हम इस तरह से जिए कि लोग हमारे आसपास रहना चाहें, कि वे हमारी मौजूदगी के लिए तरसे? साथ ही क्या होगा अगर हम खुद को याद दिलाएं कि नमकीन होना अच्छा है, लेकिन केवल संयम में? कई बार हम मसीह होने के नाते दूसरों पर अपने विश्वासों को थोपना चाहते हैं, और जबकि यीशु ने हमें धरती का नमक बनने का आदेश दिया, वह नहीं चाहता था कि हम अपने चरित्र में नमकीन बने। हमें गलत मत समझना, मसीह होने के नाते हमें परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा इस तरह से करना चाहिए कि लोग हमारे स्वर्गीय पिता की ओर आकर्षित हों और उन्हें महिमा मिले। ऐसे तरीकों से नहीं जो उन्हें पीछे हटा दे और उनके मुंह में बुरा स्वाद छोड़ दे। पृथ्वी का नमक बाइबल में उसका अर्थ गहरा है। क्या आप जानते हैं कि रोमन सैनिकों को उनके वेतन का एक हिस्सा नमक के रूप में मिलता था? जब यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा कि वह चाहता है कि वे पृथ्वी का नमक बने, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वह चाहता था कि वे अपने आसपास के लोगों के लिए मूल्यवान और मूल्यवान हों। याद रखें, यीशु के समय में नमक एक मूल्यवान वस्तु थी। यह उस समय के लोगों के लिए कीमती रहा होगा। यही कारण है कि प्रभु यीशु ने पहाड़ी उपदेश की शुरुआत उन गुणों की सूची से की जो उन लोगों के लिए जरूरी थे, जिन्हें धन्य माना जाता था। लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर चाहता है कि वे उस बिंदु से बेहतर बने जो वे शायद अब तक नहीं थे। उन्हें दया दिखानी थी, नम्र होना था और पूरे दिल से परमेश्वर का अनुसरण करना था। उन्हें शांति स्थापित करने वाले बनना था, उत्पीड़न सहना था, तभी वे अंत में पृथ्वी के नमक के रूप में अपनी योग्यता के रूप में आ सकते थे। अर्थात प्रभु यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो आपको उस नमक को बनने से पहले उपरोक्त सभी धन्य वचन के सभी गुणों को और साथ साथ सताव को भी अपनाना पड़ेगा। तभी प्रभु यीशु आपसे कहेंगे कि तुम पृथ्वी के नमक हो। लेकिन हम समझ गए कि नमक अपना स्वाद कैसे खो देता है। आज हमें ये सोचना आश्चर्यजनक लग सकता है कि नमक अपना नमकीनपन खो सकता है, लेकिन प्राचीन दुनिया में जिसे वे नमक के रूप में जानते थे, वह आज की तरह शुद्ध नहीं था। इस तरह नमक कभी कभी अशुद्धियों से दूषित हो जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप ये बेकार और स्वादहीन हो जाता था। कहने का तात्पर्य ये था कि जब यीशु अपने शिष्यों से कह रहे थे कि यदि वे पृथ्वी पर विश्वास के गुणों का अनुसरण करना और अपने उद्देश्य को भूल गए, तो वे अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे और वे बेकार हो जाएंगे। तब वे बाहर फेंक दिए जाएंगे और लोगों द्वारा रो दे जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु की चेतावनी हम पर भी लागू होती है। वह चाहता है कि हम आनंद के गुणों को अपनाएं। वह चाहता है कि मत्ती 5 के गुण हमारे व्यवहार में हों, ताकि हम पृथ्वी के नमक बन सकें। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि हम पृथ्वी के नमक कैसे बन सकते हैं? यहाँ हम आपको 3 तरीके बता रहे हैं जिनसे आप पृथ्वी का नमक बन सकते हो। पहला, हम सभी को परमेश्वर को आदर देने वाला जीवन जीना चाहिए। इसके लिए पवित्र बाइबल हमारी निर्देशक पुस्तिका है। ये हमें स्पष्ट निर्देश देती है कि कौन से कार्य परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हमें 1 कुरिन्थियों 10:31 में बताया गया है, चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जब हम ऐसे तरीके से जीते हैं जिससे हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा होती है, तो हम उनके बारे में जिज्ञासा पैदा करते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि जब जीवन कठिन होता है तब हम खुश क्यों रहते हैं। वे हमारे पास मौजूद शांति को चाहते हैं। इस शांति को प्राप्त करने के लिए उन्हें हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पास आने का अवसर मिलता है। दूसरा, सत्य बोलें। ऐसी दुनिया में जहां सत्य अधिकाधिक छोटा होता जा रहा है, हमें सत्य का वचन बोलने का विशेषाधिकार प्राप्त है। यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु सत्य है और उसका सत्य जीवन की ओर ले जाता है। हम उसके लिए खड़े हो सकते हैं जब हम अगली पीढ़ी के साथ उसका वचन साझा करते हैं। तीसरा, हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए।
प्रभु यीशु मसीह से हम जो उदाहरण सीखते हैं, उनमें से एक है सेवा करने का महत्व। मसीह के अनुयायी होने के नाते हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। हमें दयालु बनकर और जरूरतमंदों की मदद करके यीशु का अनुसरण करना चाहिए। ऐसा करके हम दुनिया को परमेश्वर का प्रेम दिखाएंगे। हालेलुया। पृथ्वी का नमक होना शायद अच्छी बात न लगे और नमक बनने में कठिनाई हो, क्योंकि आज की दुनिया में नमक आसानी से मिल जाता है और अक्सर इसे ऐसी चीज के रूप में प्रचारित भी किया जाता है जिससे हम सबका बचना चाहिए। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस वचन ने आपको एहसास दिलाया होगा कि यीशु के लिए नमक कितना महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप नमक बनना पसंद करेंगे? अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए तो प्रभु यीशु आपको अगले मुकुट की ओर लेकर जाएंगे और प्रभु यीशु आपको कहेंगे कि तुम जगत की ज्योति हो, और ऐसी जगत की ज्योति को बनना कौन पसंद नहीं करेगा। प्रभु यीशु द्वारा आप और आपका परिवार आशीषित है। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।